हेलो इंडिया सुप्रभात कैसे हो आप सब हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया है नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है जम्मू कश्मीर से और आज अब मंडे और आपको पता ना मंडे को हम कहा पे जाते हैं भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए और सबसे जो मेन वाला काम करना है वो पता क्या है जॉर्डन को ना आज रेबिस वाला इंजेक्शन देना है क्योंकि भाई अभी ना बच्चे इसके साथ खेलते हैं ना इसे पता नहीं चलता खेल खेल में ना दांत लगाना शुरू कर देता है मतलब काटता तो नहीं है अपने से प्यार करता है बट ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत ब्लड के साथ इसके दांत या नाखून टच हो जाए एंडिस होने का खतरा बढ़ जाता है कुछ ऐसा ही है और ये सामने दिख रही है ना बैंस भाई हमारे घर इसका ना आज हमारे घर आखिरी दिन है और पूछो आप, आप सोचोगे आखिरी दिन क्यों है क्योंकि भाई अभी ना मामा जी से ना इन घास काटा नहीं जाता है लक्की आंशू अपने अपने काम पे बिजी रहते हैं और भाई इससे ना हमारे घर थोड़ा ना ऐसे बोल सकते हो मामा को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है इसका पेट भरने के लिए तो आज हम इसे ना कल ही मतलब सेल कर दिया आज इसे लेने के लिए आएंगे कुछ ऐसा ही है भाई और ये जब छोटी थी पता कितनी छोटी थी जब हम इसे लेके आए थे अपने घर वो सामने इसका बच्चा दिख रहा है ना छोटा सा इतनी सी थी जब हम अपने घर लेके आए थे भाई से एंड इतनी बड़ी हो चुकी है ठीक है बट गाय तो हम नहीं दे सकते हैं ना क्योंकि गाय का कम से कम हमने क्या बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में दस आठ नौ सूए दूध पिया है मतलब उसके आठ नौ बेबी हुए हैं और आठ नौ साल से हम कंटिन्यू दूध पी रहे हैं उसका तो उससे तो हम कभी नहीं देंगे बट इससे आज हमें देना पड़ेगा क्योंकि इसकी ना सेवा नहीं हो रही है वो वाली और जिनके घरे जाएगी ना वहाँ पे खुला घास खाएगी भाई हमें ना मंकियों से सुबह सुबह नाम नहीं लेना है मंकियों से ना ज्यादा खतरा है ना जो भी हमारे यहाँ पे फल लगता है ना मामा जी ना उसे ऐसे पत्तों से या फिर ऐसे आ, मतलब दिख रहा है ना टी शर्ट से कवर कर देते हैं कि भाई मंकियों को अगर दिख गई ना वो लेके चले जाएंगे उन्हें थोड़ा ना पता है लोकी है उन्हें लगेगा ये खीरा है मैं इसे लेके चले जाएंगे पर वो खा खाते नहीं है आधा काट के ना फेंक देते हैं ये देखो तुमामा ने ना किसी की कैपरी में इसे कवर करके रखा हुआ है कि मंकी को पता ही ना चले और दूर से दिखे भी ना जाना नहीं। हाँ नहीं ये ओके। ये और ये ना लोकी की सब्जी इतनी बड़ी हो चुकी है आप सोच रहे होंगे हम क्यों नहीं इसे काट रहे क्यों नहीं सब्जी बना रहे दिक्कत पता क्या है जो पहला फल होता है ना मतलब पहला फल ना तोड़ा नहीं जाता जब तक उसके दो फल नहीं निकलेंगे पहला फल चढ़ाया जाएगा भगवान जी को और सेकंड वाला हम यूज करेंगे तो इसलिए हम मतलब वेट कर रहे हैं कि सेकंड वाला फल निकलेगा फिर जाके दोनों को इकट्ठा तोड़ेंगे एक भगवान जी को चढ़ाएंगे और दूसरा हम खा लेंगे इसलिए इसे ना मतलब इतनी बड़ी बड़ी हो जा रही है और बड़ी होने के बाद खराब भी हो जाती है और भाई आपको बताया ना कल हमारे यहाँ पे तीन दिन के बाद लाइट आई है एंड भरपूर वाली नींद ली और सुबह ना साढ़े पांच बजे उठ के मतलब नींद पूरी होगी फिर फिर उठ के रेडी हो गए और आपको बताया ना यहाँ पे पानी शानी भी आ रखा है लाइट भी है और हमने यहाँ पे ना घास लगाया हुआ है और दोपहर को इनकी ज्यादा गर्मी होती है ना आजकल इसके पत्ते जलना शुरू हो चुके हैं अभी मामा जी वही स्प्रिंकर सप्रिंक, होता है ना स्प्रिंकलर सप, कुछ ऐसे या पानी आगे पीछे फेंकने वाला वही वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं और मैं अभी तार शार इकट्ठी कर रहा हूँ और कल मैंने बोला था ना मम्मी जी आने वाले हैं मुझसे मिलने के लिए बोला नहीं आ रहे भाई क्योंकि अगले हफ्ते ना मामी लोग मासी लोग सारे मिलके ना महासूद जाने वाले हैं महासूद एक यहाँ पे ना भगवान शिव का मंदिर ही है तो फिर ये सारे ना गाड़ी में जाएंगे एक हलवाई को हायर करेंगे वहीं पे खाना शाना बनाएंगे कुछ ऐसा ही है मतलब साल में ना इन्हें एक ही दिन मिलता है घूमने के लिए तो मम्मी ने बोला इनके साथ ही जाएंगे अगले हफ्ते पर ऐसा नहीं है कोई नहीं आ रहा मेरी बहन आ रही है मुझसे मिलने के लिए क्योंकि कल मैं निकल जाऊंगा ना और यहाँ पे थोड़े बहुत आलू बुखारे वो भी लेके चली जाएगी और मुझसे मिलना भी हो जाएगा सही है ना चलो भाई अभी ना मैं मोटर लगा देता हूँ और वहां पे सप्लिंकर फिट करने हैं सप्लिंकर नहीं मम्मी नहीं आ रही देखो मेरे दोस्त क्या टाइम आ चुका है सुबह सुबह ना दुकानें भी मेरे को खुलवानी पड़ रही है और हम इंडियन भारतीय लोगो के सामने ना अगर एक गिलास ना, आ, नारियल नहीं एक गिलास अनार का जूस और एक साइड एक, एक पे चाय रखोगे ना सारे सुबह सुबह ना चाय उठाएंगे इवन की अनार के जूस का ना ज्यादा फायदा होगा बस क्या करे भाई खुलवा दी दुकान दिख रहा है दुकान खुलने के बाद सुंदर कन्या सामने दिखी है <laughs> दो ना चाय की पत्ती दे दो पहले कोई पूजा शुजा करनी है यहाँ सीधा ही कस्टमर कस्टमर ही भगवान है ना अच्छा सही है भाई इनका फंडा कस्टमर ही भगवान है पूजा तो आरती बाद में होती रहेगी नहाने के बाद भी वाली फिर एक दे दो बस काफी है <laughs> आ सामने और मेरा दोस्त ना बड़ा गुस्सा मानता है अगर मैं किसी की दुकान से पत्ती शत्ती लेके आता हूँ ना अब पता है ना एक दुकान मेरे दोस्त की है वो भी सामने है बोलता है मेरी दुकान पे जाया कर और इधर तो आ और भाई अपने भाई को तेल दिया था ना यूज करने के लिए पहले पूछते हैं कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा भाई मैंने सही करा है कि पहले ना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अगर भाई के बाल वापिस गए थोड़े बहुत पत्थर मत मार भाई के बाल वापिस गए तो फिर जाके वो तेल लेना है तो भाई को पूछ ही लेते हैं बता दो दे कम से कम चल दूर से बता दे क्या है उसका पापा जी हैं सामने ऐसा बता दे बता क्या असर हुआ है पहले बता तो दे यार असर हुआ है रिंकू बोला पसीना आ रहा है बाल नहीं आ रहे रिंकू सच बोला असर हो रहा है पर उन्होंने बोला है कम से कम ना मतलब छह महीने यूज करना है वो भी माँ कसम चंगे फेंकू है उन्हें पता है कि अगर ये छह महीने यूज करेगा हमारी कम से कम तीन चार बोटल लग जाएगी नहीं आए तब भी उनकी बल्ले बल्ले आगे तो बल्ले बल्ले कुछ ऐसा ही है ठीक है वो जूस कर रहा है काफी बड़ी बॉटल है करता है 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 रिंकू तू कर रहा है। अगर आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा सही ना ना भाई अभी आधा घंटा ना इसके साथ ना पाइप अटैच करने में निकले जा रहा है क्योंकि अभी ना हमारे पास अनलिमिटेड वाटर है वहाँ पे नाले से मई से लगा सकते हैं मोटर के साथ और अभी ना अगर सिंगल ए एप्रिंकलर इसका नाम ही मेरे से प्रोनाउसिएशन नहीं हो रहा है बोलते बोलतेर कुछ ऐसा ही भाई फुहरा बोल सकते हैं तो अगर ये सिंगल लगाएंगे ना भाई पाइप ना फटने का चांस हो जाता है क्योंकि जो मोटर है ना बहुत ज्यादा प्रेशर देती है इसलिए हमें ना दो तीन लगाने पड़ेंगे भाई अभी ना इन ज्यादा मेहनत करी आधा घंटा लग गया पाइपों को सेटअप करने का मैंने सोचा क्यों ना मोटर फिट करता हूं जैसे फिट करी भाई उतने में ना दो परेशानी आ गई पूछो क्या पहले तो मेन वाली लाइट ही चलेगी जैसे स्विच ऑन करे ना उसी टाइम लाइट गई अभी दस बजे आएगी दोपहर को और दूसरा भाई चाय आ गई <laughs> मतलब अपनी जड़ी बूटी आ गई कुछ ऐसा ही है <laughs> और हमारे घर की सुबह सुबह कंडीशन पता कैसी है अभी सुबह ना आठ बजे हुए हैं सूर्य देवता तो आपको बता है सामने प्रकट हो चुके है सुबह सुबह मतलब अपनी अटेंडेंस ना कभी नहीं भूलते भाई सूर्य देवता और वो देखो भाई मामी जी लगे हैं खाना बनाने के लिए अंशू ना सुबह पांच बजे जाता है इसलिए मामी जी ना थोड़ा जल्दी खाना बना लेते हैं आजकल और वो देखो लाइट कहाँ पे जा रही है मतलब अभी ना घर की सफाई नहीं हुई है मैं आपको दिखाता हूँ घर की सिचुएशन इस टाइम कैसी है मतलब जो स... मतलब शायद आपके घर भी ऐसा होता होगा ऐसा नहीं मुझे पता नहीं कमेंट करके बता देना जे देखो कैसे सामान बिखरा हुआ है जो रात को जाली मैंने जूस करी थी सुबह ना उस टाइम मौसम ठंडा था मतलब उस टाइम ना दो नंबर के लिए भी तेजी रहती है मतलब सारे उठने के बाद तो सारा सामान यहाँ पे रख दिया फिलहाल अभी सेट करके रखना है और एक सेकंड पंखा बंद करने तो लाइट भी आ चुकी है पंखा बंद करने दो भाई कुछ ऐसी सिचुएशन है जे हमारे बेड की हालत है कुछ ऐसी हो चुकी है अंशू होया होगा मतलब टाइम ही नहीं मिला भाई अभी इकट्ठे करने का जे कल के मतलब कपड़े धोए हुए थे तो आजकल इतना तो है नहीं है कि बाहर मतलब कपड़े ना सूखेगी पंखे के नीचे रखने पड़े बट सारे इकट्ठे करके यहाँ पे रख दिए सारे मेरे को तय करने हैं मतलब ऑर्डर में लगाने हैं एक और बैग में पैक करना है देखो सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है सारा आगे पीछे तभी मैं बोलता हूँ घर पे ना छोटी बहन लड़के की शादी करवा देनी चाहिए कोई नई लड़की आएगी थोड़ा वो घर संभाल लेगी कुछ ऐसा ही है <laughs> और अपनी नानी बेचारी कल अ, मतलब उस आंदोलन में गए थे ना वो यहाँ पे एंटी लोग सारे बैठे हुए थे मेरी नानी सभी के पीछे बैठे हुए थे शायद थोड़ी बहुत ना धूप लग चुकी है बुखार हो गया है नानी बुखार है जुकाम और भाई साहब घर आने के बाद ना शामली दीदी तो दिखी ही नहीं है अभी दिखी है ये भी मंदिर जा रहे हैं मतलब सोमवार ना सारे मंदिर जा रहे हैं भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए तो भी मंदिर जा रही है हाँ, कौन से मंदिर जा रही है वो पास कौन से भगवान शिव भोलेनाथ जी के मंदिर ठीक है भाई ठीक है अच्छा तो दो दिन जाती है चल सही है भाई हफ्ते में दो दिन जाना चाहिए और भाई मैं ना मामा जी को बताने के लिए आया हूँ कि भाई जो हमने मेहनत करी है ना एक घंटा लगा के लाइट आ चुकी है आगे लाइट पानी चला ही नहीं है मोटर शायद तो है नहीं, नहीं स्विच लगाया मामा मैंने तुम मंदिर जा रही है पैसे क्या करने हैं भगवान जी को पैसे चढ़ाने हैं भाई सुबह ना एक घंटा हमने लगाया था पाइपें सेट करने के लिए वो स्प्रिंकलर लगाने के लिए और अभी ना मोटर के अंदर ना कुछ फर्स्ट चुका है और हमारे पास एक खोलने वाली किट थी भाई टपारिया की मतलब कम से कम पांच हजार की किट थी घर वालों ने पता नहीं किसे दे दिया अभी कोई मान ही नहीं रहा कि हमें दी हुई है मतलब वो ना हाथों हाथ ही चली गई भाई अभी मोहल्ले में जितने भी घर है ना कम से कम दस पंद्रह घर होंगे जो साथ में मिले हुए हैं भाई सभी के घर पूछ लिया कि वो वाली किट काम पे है टपारिया वाली पर मिल ही नहीं रही यार मतलब बंदा ना घर वालों को याद भी नहीं आ रहा कम से कम दो महीने हो चुका है लेके गए हुए पर पता नहीं चल रहा यार दो महीने नहीं हुए होंगे मेरे जाने के बाद सॉरी एक महीने के अंदर लेके गया कोई भाई अभी ना पूरे मोहल्ले में मैंने जांच हड़ताल कर ली सभी को पूछ भी लिया पर कोई मान ही नहीं रहा फिर मामा जी ने ना इसी का मतलब जुगाड़ करके ना दिख रहा है ना इसी से मोटर खोल के ना साफ कर दिया है मतलब अभी ना ऐसा हो चुका है कि कोई कुछ भी लेने के लिए आएगा ना मोहल्ले से मना कर देना है कुछ ऐसा ही है भाई क्योंकि चीज वापस मिल ही नहीं रही यार मुझे ऐसा लग रहा है गलती से ना किसी ने आगे पीछे रख दी होगी ज़्यादा ही नहीं है किसी को जी भाई इस टाइम ना बाहर का टेम्परेचर है 44 डिग्री सूर्य देवता बिल्कुल सर के ऊपर है दिख रहे हैं ना और वो सामने चेकआउट करो लकी देखो भाई खेतों में पानी लगा रहा है मतलब मेहनत करने वाले बंदे को ना गर्मी नहीं लगती है मैंने सुना हुआ था देख भी लिया भाई वैसे तो बाहर ठंडी हवा चल रही है पर टेम्परेचर बेशक फोर्टी थ्री डिग्री है ना पर यार उन्नी ज़्यादा गर्मी नहीं है अगर आप बाहर भी चले जाते हो ना पसीना नहीं आएगा वो देखो लक्की सामने भाई दिख रहा है ना खेतों में पानी शानी दे रहा है भाई कल ना लाइट आपको पता है ना रात को साढ़े नौ बजे आई थी मैं टाइम पे ना एडिटिंग भी नहीं कर पाया अभी मैं ना एडिटिंग कर रहा था फोन में और फोन इतना ज्यादा गर्म हो रहा है इतना ज्यादा गर्म हो रहा है ऐसा लग रहा है की भाई फोन ना ब्लास्ट हो जाएगा सची बोले इतना ज्यादा गर्म हो रखा है पर अभी ना इसका सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन ये है की भाई इसे ना मैं अभी फ्रिज में लगाने वाला हूँ मतलब ऊपर ना बर्फ वाला खाना होता है ना इसमें लगा दूंगा और देखते हैं पंद्रह मिनट के बाद क्या होता है ऐसे ही है ना चलो भाई लगा दिया मैंने चलो अभी पंद्रह मिनट के बाद देखते हैं कि ठंडा होता है या नहीं होता चलो भाई अभी ना पूरे पंद्रह मिनट हो चुके हैं चेक करते हैं कि अपना फोन ठंडा हुआ है या नहीं हुआ है ओ भाई ओ भाई भाई निकल निकल ही नहीं रहा गया चिल्ड चिल्ड हो हो रखा रखा है है पूरा यार। ऐसा पूरा यार मतलब मतलब ऐसा ठंडा ऐसा लग रहा है बर्फ कोई पकड़ा हाथ में भाई पहले ना मैं आपको बता रहा था ना इतनी ज्यादा धूप में लकी पानी दे रहा है और अभी चेकआउट करो मामा जी ना इतनी ज्यादा दोपहर में ना मतलब आलू बुखारे के पेड़ के ऊपर चढ़ के ना पिया के लिए इतने सारे आलू बुखारे लेके आए हैं दिख रहा है ना पूरा आधा आधा भरा हुआ है इन्होंने सारे लगे हुए हैं मामा मावा दिख रहा है ना भाई इन सारे हैं और मेरे को लग रहा था भाई अरे ज्यादा मत खा ये गर्म है बहुत पहले मेरे को लग रहा था भाई ऊपर ना इन दौ किलो बचे हुए हैं पर मामा ने देखो कितने सारे उतारे हुए हैं चार किलो और भाई अपनी छोटी बहन भी आ रखी है पिया हेलो बोल दे बस हेलो ही बोलना बोल हाय तो शाम को बाय शाम को वापस जाने वाली है ना जे ना मम्मी जी के लिए लेके लेके जाने वाले हैं मम्मी जी को भी दे देगी थोड़ा बहुत और थोड़े खुद भी खा लेगी ज्यादा मत खाइयो हो बड़े ज्यादा गर्म होते हैं ठीक है भाई मामा का हौसला यार इस मतलब चिलचिलाती गर्मी में पेड़ के ऊपर चढ़ना फिर उतारने वैसे जो आलू बुखारे का पेड़ होता है ना बड़ा ठंडा छायादार होता है और मैंने सोचा है इस बसंत ऋतु में ना हर जगह ना आलू बुखारे लगा दूंगा इसे लगाना ना बहुत ज्यादा आसान है बस इसकी डाली तोड़नी है और जमीन में गाड़ देनी है उसके बाद हर जगह आलू बुखा रहे आलू कौन सा मोटा वाला अच्छा ये देसी है मामा फिर अच्छा मामा जी बोल रहे हैं इस बार ना फॉर्मर लेके आना है कोई जो दूसरा होता है ना बड़ा बड़ा ये देसी है भाई ये ये तो नहीं 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 नहीं। लो भाई पिया भी अभी वापिस आ रही है सुबह आई थी दस साढ़े दस बजे और शाम को वापिस आ रही है मैंने बोला एक दिन रुक जा रुकी नहीं रही पिया क्यों जा रही है इतनी जल्दी है? है स्कूल जाती है तुम अभी <laughs> हैं अच्छा बच्चा बटी ने स्कूल जाना है चलो ठीक है चुनु मुन्नू बाय बाय फिर आना छुट्टियों में ठीक है भाई भाई ठीक है बाई उसे ना मतलब भूल गया था वो बॉटल अपने साथ लेना वापिस आया है फिर से ठीक है बाय बाय और मुझे बताया आप सोच रहे होंगे अंकुश तू तो ओनली दो या तीन दिन के लिए घर आया था फिर इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है और तू घर वाले ब्लॉग क्यों बनाए जा रहा है वैसे मेरे को ना घर वाले ब्लॉग बनाना तो अच्छा लगता है बट इस टाइम मैंने बोला है ना जिस साल ना दवा के घूमना है क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलनी है जो थोड़ा थोड़ा रिलाईज हो रहा है और अपने सामने इतना बड़ा पहाड़ भी है भाई अपनी क्या बोलते हैं जिम्मेदारी भी है भी पूरी करनी है मेरे को सारी और मेन रीज़न पता क्या है रुकने का जीतू भाई ने बोला पहले वो ना ट्वेंटी सिक्स को निकलेगा फिर ट्वेंटी सिक्स को वो नहीं निकला आ, बोटिंग थी फिर ट्वेंटी सेवन को निकलने का प्लान था बट उसने इसलिए नहीं निकला है क्योंकि उसके ना काफ़ी सारे इक्वमेंट नहीं आए थे जैसे उसने नया गोप्रो लिया है पूरा एक महीना हो चुका है उसने वीडियो डाले हुए बट फिर भी वो ना सारा सामान इकट्ठा कर रहा है उसका मेमोरी कार्ड भी आज आ, मेरे सुबह ना मैक्सिमम पार्सल आए हैं उनमें से दो तीन पार्सल जीतू भाई के भी हैं जो मैं जब वो आएगा ना फिर उसे हैंड ओवर कर दूंगा फिर पता चलेगा और वो निकलने वाला है कल परसों सुबह वो मेरे पास पहुंच जाएगा कुछ ऐसा ही है और मैंने बताया ना डी कैथलोन से काफी ज्यादा सामान मेरे लिए भी लेके आने वाला है क्योंकि आते टाइम मैं डी कैथलोन नहीं गया था ना और जे वाली ट्रिप होने वाली है बेशक यहाँ पे गर्मी है बट यहाँ पे हम जाने वाले हैं वहां तो तगड़ी वाली सर्दी होगी ना जैसे स्पीती हो गया स्पीति जाने वाले हैं मतलब क्यों बता रहा हूं? मैं पहले बताना नहीं चाहिए इस बार अपनी बकेट लिस्ट में ना लद्दाख नहीं है बाकी मैं बता दू बाकी ठंडे एरिया है वो सारा आपको बाद में पता चलेगा भाई सुबह से ना यहाँ पे पानी लगाया हुआ है पर ये छोटा सा खेत ना अभी तक गीला ही नहीं हुआ है पता क्यों टाइम क्यों लग रहा है क्योंकि जो स्प्रिंकलर लगाए थे ना उसकी प्रोनाउंसेशन करना बड़ा मुश्किल है जो फहावरे हमने लगाए थे ना सुबह पानी फेंकने वाले उससे ना थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है और दोपहर को जो गर्मी थी ना इतना पानी मतलब पी के चली गई जब बाद में वो गीला दिख रहा है ना ये लक्की ने भिगोया हुआ है मतलब पाइप से ऐसे करके डायरेक्ट पानी मार के मतलब जमीन पर पाइप रख के तब जाके ये थोड़ा बहुत आपको गीला लग रहा है तो भाई अभी मतलब लाइट भी यार दो घंटे आती है दो घंटे चली जाती है इससे ज़्यादा ना हमारा जे वाला छोटा सा जो सब्जी वाला खेत दिख रहा है ना ये ज़्यादा गीला हुआ है क्योंकि वहां पे भी पानी आ रखा था थोड़ा बहुत पाइप हमने यहाँ पे रख दी और ये वाला सारा गीला है पर वो वाला सारा गीला ही नहीं हुआ है भाई एक रास की बात बताऊं घर पे हमने पंखे शंखे लगाए हैं ना पर वहाँ पे फिर भी गर्मी है इस पेड़ के नीचे जो ठंड है ना क्योंकि ये सारा ना गीला हो चुका है इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना अभी वैसे शॉव भी हो चुकी है इनकी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हुई है और यहाँ पे बारिश ठंडा लग रहा है तगड़ा वाला और वो चेकआउट करो मामा जी ने ना सब प्लिंकर सब यार इसका नाम क्या है फुआवरा देखो कहाँ पे लगाया हुआ है बस अभी पानी नहीं है नहीं तो ये पूरा आपको पानी फेंकता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे कितना सही लग रहा है वो देखो चलना शुरू हो गया <laughs> पानी फेंक रहा है अभी इसलिए बंद कर रहा है क्योंकि यहाँ से पानी ना अपने घर पे जा रहा है और ड्रम भरने वाला है नहीं तो बाद में लगाएंगे हम और यहाँ पे देखो खीरे कैसे छिपाए हुए हैं दिख रहे है ना ये <laughs> मंकियों के लिए एक छोटा सा जाल बिछाया हुआ है नहीं तो मंकी भाई दो सेकंड में लेके चले जाएं तो भाई अभी चल रही है शाम की कुलचा पार्टी इवन के हम कल भी लेके आए थे बाइक कल ना किसी ने खराब दे दी क्योंकि हमने छोटा बालक भेजा हुआ था एक मोहल्ले से आज लक्की खुद गया है आज सही आए हैं भाई खाने के लिए क्योंकि मुझे पता है बाद में ना जैसे हम एरियाज में जाने वाले हैं ना वहाँ पे ऐसे वाले कुलचे नहीं मिलते हैं नूटरी वाले तो मैंने सोचा क्यों ना भाई घर पे पेट भर लिया जाए है ना जो जो अपनी फेवरेट जो जो अपनी बकेट लिस्ट में फेवरेट खाने वाली चीजें ना वो खाली जाए जय श्री कृष्णा आज का दिन भी खत्म हो गया एक तो भाई घर आने के बाद ना मुझे पता नहीं चलता कि दिन खत्म होते हैं 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 मतलब सुबह आते वीडियो बनाते दोपहर को मतलब शाम तक होने का पता नहीं चलता और अभी ना मैं अंशु का वेट कर रहा हूँ सुबह ना मैं बोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाया बट मैं शाम को जैसे तैसे जाऊंगा भाई और ठीक है मैं दोस्त सास का वीडियो इतना रखते हैं मुझे बता आप ना बोल रहे होंगे अंकुश तूने बोला था बैंस का आज आखिरी वाला दिन है पर जो इससे जिससे सेल करिए ना बेची है ना वो लेने के लिए आया नहीं है शायद उसकी किस्मत में ना हमारे घर का एक दिन घास हो लिखा है और हमारे हिस्से में उसका दूध सही है ना पर कल वो डेफिनेटली आएगा क्योंकि वो साई होती है ना वो देखे चले गया है कुछ ऐसा ही है तो ठीक है मैं दोस्त आज का वीडियो इतना रखते आई होप आपको पसंद आया होगा एंड भाई जीतू भाई को ना मैंने बोला है मतलब शायद वो कल सुबह चार बजे निकलेगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना दिन टाइम गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बाइक खासकर तो उससे मैंने बोला है भाई हमारे गाँव में ना एक दो दिन रुक के तो देख बट वो ना मना करे जा रहा है कल वो शायद वीडियो डालेगा आप उसे कमेंट करना सारे की भाई अंकुश के घर रुकना है तो रुकना है सही है ना ज्यादा नहीं तो एक दिन तो रुक ले भाई कम से कम बोला रोड वाली साइड आऊंगा मेरा बैग उसके पास है ना जो बाइक वाला बैग है बोला है रोड वाली साइड तो पिकअप कर लियो मतलब मैं घर वाली साइड नहीं आने वाला हूँ तो रोड कितना है यहाँ से कम से कम दो मीटर होगा सारा मैंने बोला घर तो आ जाइयो भाई आप ना उसकी कॉमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना है कि अंकुश भाई के घर जाना है सही है ना थोड़ी क्या मैं दोस्त मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में तब तक के लिए गुड नाइट टेक एक कल अपना लास्ट दिन नगर पे ठीक है राधे राधे